दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसे एफिलिएट प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं जिसकी रैंकिंग टॉप 5 एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स में आती है। प्लेटफॉर्म का नेम है कमीशन जंक्शन। आपने बहुत सारी बार नेम सुना होगा कमीशन जंक्शन एफिलिएट प्लेटफॉर्म। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको कमीशन जंक्शन पे काम करना है। मैं सबसे पहले बता दूं, स्टूडेंट्स को या फिर जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनको कमीशन जंक्शन पे अकाउंट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे भी फर्स्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आपको नहीं होगी क्योंकि मैंने जिस टाइप से अकाउंट बनाया है, मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया, वो प्रोसीजर पूरा मैं इस वीडियो में आपको डिलीवर करूंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं बता दूं कमीशन जंक्शन एक ऐसा एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो और एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है कमीशन जंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कमीशन जंक्शन को, कैसे कमीशन जंक्शन पर आपको अकाउंट बनाना है, कैसे उस पर काम करना है, सब कुछ हम बनवा डिस्कस करेंगे। और अगर आप कमीशन जंक्शन की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो टाइप यस करना कमेंट में, हम यहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट भी देंगे। बस आप हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट। उस पर बता दूं, जिस भी स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, फेसबुक एड, गूगल एड्स, इस टाइप से कोई भी पार्ट आपको डिजिटल मार्केटिंग का या फुल डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग या फिर कोई भी कोर्स की पूरी डिटेल वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे कमीशन जंक्शन पर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कमीशन जंक्शन। तो चलते हैं सीधे गूगल पे। इस वाले अकाउंट से मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं एक न्यू अकाउंट बनाता हूँ आपके सामने लाइव, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कमीशन जंक्शन पर अकाउंट क्रिएट करने में। तो चलते हैं सीधे कमीशन जंक्शन पर, मैं न्यू अकाउंट बना लेता हूँ एक। सो गाइस मैं गूगल पे आ गया हूँ। गूगल पे आने के बाद आप सीजे एफिलिएट भी लिख सकते हो या फिर कमीशन जंक्शन एफिलिएट भी लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कमीशन जंक्शन एफिलिएट। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे कमीशन जंक्शन लिखा तो यहाँ पे आ गया है कमीशन जंक्शन एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही मैंने गूगल पर कमीशन जंक्शन सर्च किया, मेरे सामने ये वेबसाइट आ गई। ये इसका लोगो है कमीशन जंक्शन का और ये इसका होम पेज है। आप डायरेक्ट एफिलिएट पे भी आ सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ होम पेज पर, फिर वहां से हम चलेंगे एफिलिएट पेज पर, क्योंकि पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमें देखना है। पब्लिशर में लाइक यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करूंगा, आपके सामने छोटी सी डिटेल आएगी। सबसे पहले आप इसको फिल करते हैं, फिर आगे बताऊंगा कहाँ लोग फंसते हैं। एक यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म आता है, वहां लोग फंस जाते हैं। टेक्स्ट फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश कर सकते हैं लैंग्वेज, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लो अपनी कंट्री। तो मैं यहाँ पे इंडिया वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो लाइक वैसे सभी इंडिया से ही है, तो आप इजिली यहाँ से इंडिया चूज कर लो या फिर आपकी कंट्री से आप चूज कर लो, जिस भी कंट्री से आप है। फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस चूज कर लो, यहाँ पे अपना एक पासवर्ड दे दो। तो मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, एक पासवर्ड हम देते हैं क्योंकि ये मेरा अकाउंट आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, तो एक पासवर्ड हम यहां पर दे देते हैं। अदरवाइज मेरी बैंक डिटेल और सब कुछ मैंने ऑलरेडी सीजे प्लेटफॉर्म पर दिया हुआ है। हम एक बार पासवर्ड दे देते हैं और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के बाद आई एम नॉट अ रोबोट करते हैं, और जैसे ही ये करते हैं वेरीफाई ईमेल होगा। सबसे पहले ईमेल को वेरीफाई करना है, तो कर लेते हैं वेरीफाई ईमेल। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, अभी आपको ये इंटरफेस सिंपल लग रहा है। जैसे जैसे आप यहाँ पे अकाउंट बनाने की प्रोसेस में आगे चलोगे, आपको बहुत सारी लाइक यहाँ पे डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले चलते हैं वेरीफाई करते हैं ईमेल को। सो मैंने अपने ईमेल पे एक वेरीफिकेशन मेल भेज दिया, जस्ट उसको चेक करते हैं, फटाक से उसको वेरीफाई करते हैं। और तो आप देख सकते हैं सीजे एफिलिएट का एक मेल मेरे पास आ चुका है, ये बस आपको इसको कंफर्म कर लेना है। सबसे पहली स्टेप में आपको इसको कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आप कंफर्म कर लेते हैं आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती हैं, आप एक बार अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो। मैं एक बार हमेशा सबसे कहता हूं कि जिस भी एफिलिएट प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लें। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हुई है, तो मैं इनको चेक करता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। और यहाँ पर सबसे पहले ये इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर आने के बाद देखो सबसे पहले आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लें। अभी ये देखो ये बटन हाइड आ रहा है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है आपको, और फिर क्लिक करने के बाद आपको कट कर देना है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट फिर आ जाएगा। फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लें, इस पर भी क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद आपको एक बार इनको पढ़ लेना है, जो भी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन है, पढ़ने के बाद इसको क्रॉस कर देना है, और फिर यहाँ से एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेना। ये मैंने तीनों एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया, आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। अच्छे से एक बार ध्यान से इनको पढ़ लें, फिर कंटिन्यू टू अकाउंट पे क्लिक करें।
अभी कंटिन्यू टू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बोलेगा। तो आप यहाँ पे जो आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वहाँ पे दिया है वो आप दे दें, अदरवाइज आपने सेव किया होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अदरवाइज जो दिया है ईमेल एड्रेस पासवर्ड वेरीफाई होने से पहले वो आप यहाँ पे दे दें और लॉग इन कर लें। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सीजी एफिलिएट प्लेटफॉर्म बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, बट थोड़ा सा यहाँ पे लाइक लॉगिन का और अकाउंट बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो एक बार इसको ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दे, आपका टोटल बैलेंस यहाँ पे शो होगा और वो आप अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। देखो अकाउंट डिटेल आप यहाँ पे देंगे फिफ्थ स्टेप में, बस यही स्टेप्स आपको कंप्लीट करना थोड़ा सा लाइक स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, तो मैं बताऊंगा कैसे इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है और मैं यहाँ पे काम भी करता हूँ। तो स्टेप बाई स्टेप आप इसको देखते रहे। अब सबसे पहले है यूजर नेम इन्फॉर्मेशन, ये सिंपल स्टेप है, पहले आप इसको ऐड कर दें, यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करें। एड पर क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले एक पेंसिल आपको दिखेगी, ये देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है। एक्चुअली ये एडिट बटन है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी डिटेल फुलफिल कर देनी है। तो मैं एक तो एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी फिल कर देती है, जैसे हम अपना नेम वगैरह डाल देना है, फोन नंबर डाल देना है और कुछ नहीं डालना है, बस आपको ये सब एग्री कर लेना है और इसको यहाँ से आपको सेव कर देना है। ठीक है, सो करते हैं हम सेव, और जैसे ही आप सेव करोगे आपके पास ये आ जाएगा। इस टाइप से आपका नेम फोन नंबर आ जाएगा, आपका वेरीफाइड टाइप सुपर यूजर, इस टाइप से ये आपका सोने लगेगा, एडवर्टाइजर में ये सोने लगेगा, अकाउंट में ये सोने लगेगा, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। बस आपको यहाँ पे नेम फोन नंबर अपना देना है तो वो आप दे देना। और फिर देखो ऑनबोर्ड चेकलिस्ट आ रही है, ऑनबोर्ड चेकलिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनबोर्ड चेकलिस्ट पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल वेरीफाई हो गया है, आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो गई है। अब आपको यहाँ पे नेटवर्क प्रोफाइल वेरीफाई करनी है, इसके लिए आपको क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको इसको क्लोज करना है और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन में कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, आपका क्या बिजनेस का गोल है, आप ट्रैफिक कहां से लाएंगे, ये सब लेके जितना अच्छा लिखोगे वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो अभी के लिए मैं डेमो कंटेंट डाल देता हूं, मैंने अपने लाइक ब्लॉग से उठा के कंटेंट डाल दिया, डेमो कंटेंट है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। ठीक है, तो एक लाइक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो और एटलीस्ट 250 कैरेक्टर्स तक का उसमें रहे, मैंने अभी 257 का डाल दिया है, तो 250 कैरेक्टर मिनिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एक बटन मिलेगा सेव का, सेव कर दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को सेव करने के बाद आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पे प्रमोशनल मेथड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप कहाँ पे प्रमोट करेंगे एफिलिएट प्रोडक्ट को, कहीं तो होगा प्रमोट करने का जरिया। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, फेसबुक के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, एड्स के थ्रू, वो आपको यहाँ पे प्रमोशनल मेथड बताना होगा। तो मैनेज प्रमोशनल प्रॉपर्टी पे आपको क्लिक करना है, आप इस इंटरफेस पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा सा लाइक पेशेंस रखें और इस वीडियो को देखें क्योंकि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्रिएट प्रॉपर्टी पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के टाइप पूछे जाते हैं कि आप कैसे आखिर में कैसे एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले। तो मैं वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करने वाला हूँ, तो वेबसाइट की URL पर दे रहे हैं। ठीक है, मैं वेबसाइट की URL दे देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। मैंने ये कंटेंट यही से उठाया था जो भी मैंने डाला था डिस्क्रिप्शन में, मैंने डेमो कंटेंट लिया था, बट आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन जो थोड़ी देर पहले डिस्क्रिप्शन दिया था बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट दे दी है। अब वेबसाइट देने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बता सकते हैं प्रमोशनल गोल्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट और ब्लॉग मीडिया रख दिया है, और आप थोड़े से लाइक नीचे जाएंगे तो नेम ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप इजिली से अपना नेम डाल दें। नेम ऑफ प्रॉपर्टी में आप जैसे आप अपना नेम डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नेम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए डिजिटल सर्वम डाल दिया है, और दिस इज माय प्राइमरी प्रॉपर्टी, इस टाइप से मैंने कर दिया है। टैक्स अगर आपको देना है तो दे, ऑप्शनल है, अदरवाइज आप यहाँ पे सबमिट कर दें। ये ऑप्शनल चीज है, ये आपको लगता है कि आप देना चाहते हैं टैक्स तो आप दे दें, अदरवाइज अभी मैं नहीं देना चाहता ये अकाउंट, मैं फिर से बता रहा हूँ डेमो के लिए बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे टैक्स देना चाहें तो आप टैक्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। अभी मैं इसको कर रहा हूँ सबमिट। अब प्रमोशनल प्रॉपर्टी को सबमिट करने के बाद आपके साथ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा, एक आपकी प्रॉपर्टी की आईडी आ जाएगी, ये देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी की आईडी वगैरह सब कुछ आने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना प्रमोशनल प्रॉपर्टी के बाद। अब आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे स्टेप, अप्रोक्स 4 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं दिखाता हूँ, ईमेल का हो चुका है, इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, नेटवर्क हो चुका है, प्रमोशनल एक्टिविटी हो चुकी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो मैं बता दूंगा। इसमें आपको ये लाइक आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो इजीली हो जाते हैं, ये वाला स्टेप में सबसे ज्यादा लाइक स्टूडेंट फंसते हैं और प्रॉब्लम आती है कि कैसे आखिर में मैं करूं। तो मैं बताता हूँ, सबमिट फॉर्म पे क्लिक, जैसे आप सबमिट फॉर्म पे आते हो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एडिट पर क्लिक करो, ये वाले एडिट पर। ठीक है,
यहाँ पर अपना एक बार आपको पासवर्ड मांगेगा आपका, तो यहाँ पे अपना एक बार पासवर्ड दे दो, सबमिट कर दो, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम मांगेगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल शिवम, और भाई जो आपकी वेबसाइट है ब्रांड का नेम है या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम वो डाल दो। एड्रेस में डाल देता हूँ अपना, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। पोस्टल कोड में डाल देता हूँ अपना, तो मैंने एक पोस्टल कोड डाल दिया। और जो स्टार मार्क है वो इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं है उनको आप छोड़ सकते हो। फैक्स वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको मैं छोड़ देता हूँ। आप ये किस फॉर्मेट में चाहते हैं ये कर दो, और इसको आप सिंपली सेव कर दो। ये इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टैक्स इन्फॉर्मेशन, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बताता हूँ क्या करना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में भी एडिट पे बटन पे क्लिक करना है, ये देखो एडिट का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। एडिट के बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड को देने के बाद आपके सामने एक टैक्स फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें तीन टाइप के फॉर्म आ रहे हैं, देख सकते हो, W9, W8VEN, W8VENE। तो आपको सेकंड वाला चूज करना है। अगर आप नॉन यूएस हैं, आप इंडिया से हैं, तो आप ये चूज करना है, ठीक है। इसके बाद तो W8VEN चूज करने के बाद आपको सबसे पहले अपने यहाँ पे नेम देना है, फिर यहाँ पे आपको सिटीजनशिप देनी है, तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लेता हूँ। वेट, मैंने यहाँ पे इंडिया चूज कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने इंडिया पे भी इंडिया चूज कर लिया है, जहां से आप हैं वो आप चूज कर लें। फिर यहाँ पे आपको एमपी चूज कर लेना है, मैं एमपी से हूँ एक्चुअली में, तो मैंने मध्य प्रदेश चूज कर लिया है। आप जिस भी स्टेट से हैं आप वो स्टेट यहाँ पे चूज कर लें, और फिर ये मैंने दे दिया है। और एक चीज याद रखें, जो स्टार मार्क है उनको देना जरूरी है, जिस पे स्टार मार्क नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने स्टार मार्क नहीं है उसको छोड़ दिया है। यहाँ पे आइडेंटिफाई पे नंबर पे स्टार मार्क था, तो मैंने देखो ये बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि देखो एक बात समझो, पहले जब मेरा सीजे का अकाउंट था तब मेरे पास फॉरन टैक्स आइडेंटिफाई नंबर का एक ऑप्शन नहीं था। अभी ये ऑप्शन मुझे देखने को मिला है, तो मैंने क्या किया है, मैंने 10 डिजिट का एक नंबर यहाँ पे डाल दिया है, और मैंने सेव किया, सक्सेसफुल अकाउंट भी बन गया है और प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे 10 डिजिट का यहाँ पे नंबर डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करने, सिग्नेचर में कुछ नहीं, जो आपने इनिशियल लेवल पे नेम दिया था वही यहाँ पे देना है, कुछ ना आपका स्मॉल का लाइक डिफरेंस होना चाहिए ना कैपिटल, बिल्कुल सेम जो नेम आपने वहां पे दिया था वही देना है। और यहाँ पे सेव W8 फॉर्म करना है। जैसे आप फॉर्म यहाँ पे सेव कर दोगे, आप देख सकते हो आपका फॉर्म यहाँ पे सेव हो चुका है, ये आप देख सकते हो कंप्लीटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी सबसे पहले कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं अकाउंट मैनेजर पर। आप अकाउंट मैनेजर पे आते हो, आपके पास फिर से ये इंटरफेस आ जाता है। अब आप देख सकते हो बहुत सारी जो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फुलफिल हो गई। अब आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन आती है। अब पेमेंट में भी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो देखो यहाँ पे एड पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो। अब देखो पेमेंट के लिए मैंने अपने अकाउंट ऑलरेडी लिंक किया हुआ, बट मैं बता सकता हूँ कि आपको करना एक्चुअली में क्या है। सो वेट करो एक सेकेंड, सारा कुछ फिल करने के बाद अब आता है पेमेंट की बारी, क्योंकि पेमेंट तो देना जरूरी है, क्योंकि फिर आपके पास अकाउंट पैसे कैसे आएंगे अकाउंट में। तो एडिट पे क्लिक करना है, और एक बार फिर से आपको अपना पासवर्ड फुलफिल करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। सो अभी आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने अपना जीमेल ओपन कर लिया है, और ये वन टाइम वेरिफिकेशन कोड आया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट अ सेकेंड, और उसको हम वहां पे पुट कर देते हैं। ये वन टाइम ओटीपी है, तो लाइक हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं वेरिफिकेशन कोड को। एक मिनट, ये मैंने पुट कर दिया, सबमिट करना है। तो मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड डाल दिया, मेरे पास पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो आप मिनिमम कितना अमाउंट सबसे पहले, लाइक जैसे आपके अकाउंट में $50 हो जाते हैं, क्या आप विड्रॉ करना चाहते हो, $100 में विड्रॉ करना चाहते हो, तो वो आप डाल सकते हो। मिनिमम 50 है, तो मैंने $50, जैसे ही मेरे पास $50 हो जाए मेरे अकाउंट में मेरा पेमेंट आया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। वहां पर आप जो भी करेंसी रखना चाहते हो रख दो, मैं तो मेनली US डॉलर ही रखता हूँ, तो मैंने US डॉलर रख दिया। आपको जो भी करेंसी यहाँ पे रखनी है रख सकते हो। अकाउंट टाइप में आप चेकिंग ले लो या फिर सेविंग ले लो, दोनों एक ही जैसे है, आप कोई भी ले लो, कोई ऑप्शन में चेंज नहीं है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, राउटिंग नंबर शॉर्ट कोड, तो मैं बता देता हूं ये क्या होता है। सबसे पहले यहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, कुछ नहीं करना, अकाउंट नंबर डालना है, यहां पे अपना बैंक का नेम डालना है। अब इसकी बात करते हैं राउटिंग नंबर, ये क्या होता है। तो आपका जैसे अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में या फिर बैंक ऑफ इंडिया में, सो मैं यहां पे सर्च करता हूं बैंक ऑफ इंडिया राउटिंग नंबर, ठीक है। सो इसको एंटर करते हैं, तो जैसे ही मैंने बैंक ऑफ इंडिया राउटिंग नंबर चूज किया, तो आपको यहाँ पे राउटिंग नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द राउटिंग नंबर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ये आ गया इनका राउटिंग नंबर, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है और अपनी बैंक की डिटेल डालनी। मैंने अपने बैंक की डिटेल ऑलरेडी मेरे अकाउंट में डाल दी, तो अभी मैं बैंक की डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, बट आप डाल दे, कुछ है नहीं बैंक की डिटेल में, एक राउटिंग नंबर डालना है जो आपको गूगल से मिल गया है। आपका अकाउंट का नंबर आपको पता होगा क्या है, तो वो अपने अकाउंट का नंबर डालना है। बैंक का नेम डालना है, बैंक का नेम जो भी आपका है वो आप डाल दें। अकाउंट होल्डर नेम ऑलरेडी आ चुका,
चुका है बैंक का नेम में, जैसे आपका नेम है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक के नेम का, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपके बैंक का नेम है आप वो डाल दो, उसको चेक करके इसको सेव कर दे। ठीक है, अभी इसको सेव करने के बाद सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है, एक प्रोसेस और रहती है उसको और बताते हैं, और आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपकी हेल्प करूंगा डेफिनेटली, कमेंट में आप कमेंट कर देना। चलते हैं लास्ट स्टेप को, सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही आप ये सब कर लेते हो आपके सामने सारा कुछ हो जाता है, पेमेंट तो आप डाल ही सकते हो, बैंक का नेम नंबर डालना है। अब ये आता है आंसर, आंसर नाउ, आंसर नाउ में आप, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या चूज करूँ। यहाँ पे आप देखो पढ़ लो जो भी आपको लगता है, मैं लाइक आप इसके थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं नो कर देते हैं, और ट्रैफिक कन्वर्जन ब्राउजर यस कर देते हैं, इसको डू यू रन वर्क ऑन द मल्टीपल सेपरेट यस, और इसको यस। ठीक है, और आप इसके सबमिट कर दो आंसर्स। अभी आपके पास सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट स्टेप यही रह गया है, देख सकते हो आप, चेक 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 चेक, और ये वाला भी फुलफिल हो गया है। जैसे आप बैंक का डिटेल डालोगे डाल दोगे, और एक्टिव अकाउंट, कोई यहाँ पे टाइम नहीं लगता अकाउंट एक्टिव होने में, तुरंत यहाँ पे अकाउंट एक्टिव हो जाता है। आप बस इसमें सिंपली बैंक अकाउंट नंबर डालें और अपना अकाउंट एक्टिव कर लें, और फिर आप यहाँ पर सीजे से एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको सीजे की पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर देना, हम सीजे एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी डिटेल में वीडियो लाएंगे, कैसे आपको यहाँ पे लाइक एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, कैसे लाइक यहाँ पे आपको अर्निंग करनी है, सब कुछ हम वीडियो लाएंगे। आज आप अकाउंट क्रिएट कर लें, क्योंकि अकाउंट जब आप क्रिएट कर लेंगे तो बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आने लगेंगे और काम करना आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।